दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमबीए के छात्रों ने एमबीए की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एमबीए विभाग के डीन प्रोफेसर गोपीनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीबीए के छात्रों का कहना है कि पिछले वर्ष जिन पेपरों में उन्हें 80% अंक प्राप्त हुए थे, इस बार उसी पेपर में वे फेल कर दिए गए हैं। छात्रों का कहना है कि एमबीए और बीबीए में कुल मिलाकर ऐसा 60 छात्रों के साथ किया गया है। एमबीए विभाग के डीन गोपीनाथ पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फीस के नाम पर धन उगाही की जाती है और तानाशाही का रवैया हमेशा गोपीनाथ की ओर से लगातार अपनाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर कुलसचिव शत्रुघ्न वैश्य पहुंचे और वहां के छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। इस संबंध में उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि अगर आप चाहें तो आपकी कॉपियों की स्क्रूटनिंग कराई जा सकती है और आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो आरटीआई दाखिल करके इस बाबत पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीबीए के छात्र अष्टभुजा पाठक ने कुछ इस तरह से पूरे मामले को बताया। सर वो तानाशाह हो गए हैं, वो तानाशाह समझ रहे हैं सर। मैनेजमेंट के लैंग्वेज बोले मोनोपोली चला रहे हो, समझ रहे हैं का नंबर कम आया है, ज़्यादा आया, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक व्यवस्था बना रखी, जिसका भी बैक आया है, कम नंबर आया है, लोग भी अभी मेरी पहचान उसके लिए आरटीआई में अपनी कॉपी देख सकते हैं, स्कूटनी में आप अपना कैलकुलेशन करा सकते हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं यूनिवर्सिटी में हैं,
जिस भी बच्चे का लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। मेरा नाम अष्टभुजा पाठक है, मैं वाणिज्य संकाय के MBA विभाग का BBA थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के MBA विभाग में जब से MBA डिपार्टमेंट चालू हुआ है तब से और अभी तक का अनुपात अगर उठा कर देख लिया जाए तो आज तक इस अनुपात में हमारे विभाग में कभी बच्चे फेल नहीं हुए हैं। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से और अपने विभाग के गोपीनाथ HOD गुरु जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये आंकड़ा क्या कहता है, आखिरकार इस आंकड़े का क्या मतलब है। या तो विश्वविद्यालय अनपढ़ छात्रों का एडमिशन ले रहा है, अनपढ़ छात्र पढ़ा रहा है, या तो हम छात्र ये समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय की कापियां अनपढ़ मास्टर चेक कर रहे हैं। आखिर इसका क्या मतलब है कि अभी तक जिन छात्रों का परसेंटेज 70% 75% से ऊपर आता था उन छात्रों का परसेंटेज 50% 51% हो गया है। क्लास में BBA फर्स्ट ईयर में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे में 32 बच्चों का बैक आ जाता है। इसके पहले हम लोग भी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होके आए हैं लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार क्या रीजन है, क्या मतलब है कि गोपीनाथ गुरु जी के HOD बनते ही हमारे विभाग में फेल की समस्याएं, बैक की समस्याएं इतनी ज़्यादा होने लगी। आखिरकार क्या दिक्कत है, MBA में जिन छात्रों का प्लेसमेंट होने का है प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जिन छात्रों का 1,000 रुपये प्लेसमेंट के लिए विश्वविद्यालय पहले से ही छात्रों से पैसा ले लेती है, हमारे विभाग में HOD सर के द्वारा एक्स्ट्रा पैसा बच्चों से मांगा जा रहा है कि आप जब एक्स्ट्रा पैसा देंगे तब कंपनियों को बुलाया जाएगा और आपको चयनित कराने का काम किया जाएगा। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपने संकाय में वाणिज्य संकाय में MBA विभाग में जब अपने HOD के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं तो वहाँ पे हर छात्रों को छात्र नेता घोषित कर दिया जाता है। वहाँ पे छात्र उठाने वाला हर छात्र छात्र नेता होता है। वहाँ पे ये उनको ये समझा जाता है कि ये नेता प्रकृति का इंसान है, ये छात्र नहीं है, ये फालतू का कैबिन में आया है, चार बात बोलेगा अपनी राजनीति टाइट करेगा और यहाँ से चला जाएगा। उनको ये नहीं पता है कि विश्वविद्यालय में सबसे महंगी फीस MBA और BBA के छात्र देते हैं। MBA के छात्र 45,000 रुपये फीस देते हैं, हम लोग 20,000 रुपये फीस देते हैं। हम अपने विभागाध्यक्ष श्री गोपीनाथ गुरु जी से एकदम नाखुश हैं, उनके कार्य के नाखुश हैं, कार्य से जो हमारे विभाग में जिस प्रकार का रिजल्ट बना है, जिस प्रकार से बच्चे बैक हुए हैं, फेल हुए हैं, और उनके बात करने के रवैये से एकदम बिल्कुल तानाशाही प्रकृति के इंसान हैं, जाने पे एकदम अलग टाइप के बोलते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी है अब मजबूती से गोपीनाथ सर को चेंज करे, कोई नया एक अच्छा विभागाध्यक्ष बनाया जाए जो छात्रों को उचित लगे उनको बनाया जाए। और यहाँ पे सभी छात्र यही चाहते हैं कि प्रेजेंटली जो विभागाध्यक्ष गोपीनाथ गुरु जी हैं उनको बदला जाए। वहीं गोरखपुर न्यूज ने अपने दूरभाषिक वार्ता में प्रोफेसर गोपीनाथ से जब बात करनी चाहिए तो उनका स्पष्ट कहना है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है और छात्रों द्वारा लगाया गया आरोप गलत है।